हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल कॉन्सेप्ट। मुझे आप गोटे पेडागोजी सेक्शन रही आसी। जदि आप प्रिपेरेशन करुँचे बीडी एमईडी किंबा आपण जदि ओटीटी ओएसएस टीटी जदि किसी भी टीटी एग्जामिनेशन पाई तो सेटर टॉपिक हूँ कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो आपण निहाती इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आउ आर प्रीवियस ईयर रे ओटीटी रे आपणकर मिनिमम टू 5 क्वेश्चन आसी जाइला कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। चलते देखीदबा व्हाट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड तार डेफिनेशंस कौन, तार मीनिंग कौन, तार एग्जांपल सहित तार कैरेक्टरिस्टिक्स सहित मुझे कहीदे। चलतु एंड ए भिडटे आरंभ करने पूर्व आपको कही रखुच्छी जे चैनल रे नुआ अच्छा तेल सब्सक्राइब कर दिंतु, लाइक करूँ, कमेंट करने को आद भूलु ना। चलतु देखने कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग आम कौन, तार डेफिनेशन कौन, किए आमर बाहर करते तार विषय देखा। तेल फर्स्ट देखा व्हाट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग जोटा कि एकाभिमुखी जोटा आम कहे, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग इज अ टर्म कॉइन बाय आपणकर किए ये कॉइन करते जय पाउल गलफोर्ड। तो यहीटा आपणकर मन रखापी जेपी गलफोर्ड आपणकर बाहर करते कन्वर्जेंट थिंकिंग। एंड यहाँ कन्वर्जेंट थिंकिंग हूँ द अपोजिट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। ताहले आपण भल भाव में मार्क करूँ, आम मो नेक्स्ट वीडियो रे आपण डाइवर्जेंट थिंकिंग विषय में नहीं आसवि। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आम आज डिस्कशन करवा कन्वर्जेंट थिंकिंग। ताहले नेक्स्ट रहा तार डेफिनेशन। ताहले तार डेफिनेशन कौन रही देखने वा, इट इज जेनराली मीन्स द अबिलिटी टू गिव द करेक्ट आंसर टू द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कौन, जमी सपोज आपर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो कि एमसीक्यू क्वेश्चन हो, तेल से कौन करेंगे ना पर्टिकुलर आंसर ही आसे। आप टेन टेन स्टूडेंट्स हूँ, 100 स्टूडेंट्स हूँ, समस्त सेम आंसर जोटा कि सेटा आम कौन कहे ना, तो आम कहे कन्वर्जेंट थिंकिंग दैट डू नॉट रिक्वायर सिग्निफिकेंट क्रिएटिविटी। ए किसी क्रिएटिविटी न थाए, जहाँ ही आंसर थाए पर्टिकुलर से आंसर दो। फॉर इंस्टेंट इन मोस्ट टैक्स इन स्कूल एंड ऑन स्टैंडर्डाइज मल्टीपल चॉइस टेस्ट फॉर इंटेलिजेंस, जितने मल्टीपल क्वेश्चन आसे एमसीक्यू क्वेश्चन आसे, ताहले आम तार तार ही आंसरटा ही दे था पर्टिकुलर आंसरटा। ताहले तार एग्जांपल कौन रही देखने वा, सपोज मुझे एग्जांपल नहीं 8 + 8 = 16, ताहले एटा समस्त ही सेम आंसर आसो 16, करेक्ट आंसर जोटा कहे करेक्ट आंसर 16 आसो। सपोज तो डाइवर्जेंट थिंकिंग रे तो मुझे गोटे वीडियो आनी आपठी भल भाव बुझीपारे कन्वर्जेंट थिंकिंग आउ डाइवर्जेंट थिंकिंग विषय में कौन रही। एंड देखिबा कन्वर्जेंट थिंकिंग आपन को बेसिकली मुझे कही रखुच्छी कन्वर्जेंट थिंकिंग जोटा कि हूँ तार सिंगल आंसर्स ही आसो। तो देखने फर्स्ट अच्छी कौन, कन्वर्जेंट थिंकिंग इज द टाइप ऑफ थिंकिंग दैट फोकसेस ऑन कमिंग अप विथ द सिंगल वेल एस्टाब्लिश आंसर टू अ प्रॉब्लम। जदि किसी प्रॉब्लम अच्छी तार सिंगल आंसर आसवा एंड वेल एस्टाब्लिश्ड आंसर ही आसो। द सेकेंड पेज्रे कौन रही, इट इज मोर इफेक्टिव इन सिचुएसन्स व्वेयर एन आंसर रेडिली एक्जिस्ट एंड सिंपली नीड्स टू इधर रिकॉल्ड और वर्क आउट थ्रू द डिसीजन मेकिंग स्ट्रैटेजीज। तो आपणकर जदि किसी क्वेश्चन अच्छी आपको निजे रिकॉल करने पड़ो तार आंसर को एंड आपको सेठी आंसरटा देवाक पड़ो। कन्वर्जेंट थिंकिंग इज यूज आज अ टूल इन क्रिएटिव प्रॉब्लम, दे कंसियसली यूज स्टैंडर्ड और प्रोबेबिलिटीज टू मेक जजमेंट्स। ताल एटा आपणकर जो रही क्रिएटिव प्रॉब्लम आपको सपोज आपको यहाँ दिहला गोटे क्वेश्चन पचारे आपको 8 + 8 = 16 यहाँ आपंकर करेक्ट आंसर। जब आम दौचे गोटे सपोज आम गोटे टॉपिक देले कि फेस्टिवल्स लिखापी गोटे टॉपिक्स देले, तेल पाला डिफरेंट आंसर्स आसो एंड डिफरेंट क्रिएटिविटी आसो। बट कन्वर्जेंट थिंकिंग में आम पर्टिकुलर सिंगल जोटा आसो तार आंसर किसी चेंज हेनी, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल। तेल नेक्स्ट फोर रे देखिबा कौन, दिस कंट्रास्ट्स विथ द डाइवर्जेंट थिंकिंग व्हेयर जजमेंट इज डिफॉल्ट व्हाइल लुकिंग फॉर एंड एक्सेप्टिंग मेनी पॉसिबल सॉल्यूशन। तेल ये आपको मुझे रखुच्छी डाइवर्जेंट थिंकिंग रे आपणकर डिफरेंट वे रे आपण करिपारंती बट सॉल्यूशन सेम ही आसो। एंड फाइव नंबर फाइव पॉइंट रे कौन अच्छी, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल और रिजन एटा आम चेंज कर पारिबानी, तार आंसर जहाँ भी तार आंसर पर्टिकुलर आंसर आसो एंड करेक्ट आंसर समस्त सेम ही आसो, ए किसी भी क्रिएटिविटी आपड़
लगे पारे ना। इट इज बेस्ड ऑन द क्लोज सेंटेंस क्वेश्चंस। तो यार पर्टिकुलर क्वेश्चन जोटा कि आंसर आपजे तेल ये थी मोर आज डिस्कशन। जदि भिडियोटी आपको भल लगी था निश्चिंत लाइक कर दिंतु, कमेंट करूँ, सेयार करूँ। एंड आपको कही रखुची इट कन्वर्जेंट थिंकिंग रो क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि आपड़ा सीटेट ओटेट्रे निहाती आपंकर क्वेश्चन आसो। एंड यहाँ थी मोर वीडियो एगेन कही रखुची सब्सक्राइब करे एंड आपण फ्रेंड्स मानक भितर शेयर करदे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।